इंडियन आर्मी के तीन ऐसी खतरनाक सैनिक जिनके नाम से बड़े दुश्मन देशों के रूप कांप उठती है। भारत के यह सैनिक इतनी खतरनाक होते हैं कि यह अपने दुश्मन को उसकी सीमा में घुसकर मौत के घाट उतार देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन तीनों खतरनाक रेजिमेंटों से कई बार सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है और आज तक इनमें से कोई भी रेजिमेंट अपने ऑपरेशन में विफल नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं भारत की इन तीन खूंखार रेजिमेंटों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। नंबर एक, गोरखा रेजिमेंट। आपको बता दे के गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत नेपाल से हुई थी। नेपाल में गोरखा नाम से एक जिला है। यह जिला आज भी योद्धाओं और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। ब्रिटिशों ने ही गोरखाओं को मार्शल रेस की उपाधि दी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि गोरखाओं में प्राकृतिक योद्धा वाली क्वालिटी होती है। उनका शरीर मजबूत फुर्तीला होता है। यही नहीं, उनमें आत्मविश्वास और देश के लिए वफादारी की भावना होती है। गोरखा के जवान लंबे समय तक कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा ये हठी लड़ाकू होते हैं। कोई जवान गोरखा सैनिक है, यह इस बात से पता चल जाता है कि उसके पास 12 इंच की खुखरी और तिरछा हेडगियर होता है। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी ही है। वह इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक गोरखा सैनिक बगैर हथियार के अपने कई सारे दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकता है। इस समय भारतीय सेना में 1,20,000 गोरखा सैनिक है। नंबर दो, एनएसजी कमांडो। भारतीय राजनेताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनएसजी कमांडो को नियुक्त किया जाता है। प्रथम एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। इनका कार्य कुशल व्यक्ति की सुरक्षा करना है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का कार्य कर रहा होता है। एनएसजी कमांडो अपने अपोनेंट की बहुत ही कड़ी निगरानी से सुरक्षा करता है। अगर एनएसजी कमांडो की ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उनके पास 24 घंटे शूटिंग ऑर्डर अवेलेबल रहता है और किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। एनएसजी में चुनाव के लिए एक कमांडो को कई चरण पार करने होते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को सबसे पहले एक हफ्ते की काफी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। आखिर में सिर्फ 20% सैनिक ही इस दौर में पहुँचने में सफल होते हैं। इसके बाद इन चुने गए जवानों को 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियारों के दुश्मनों पर सही तरह हमला करना और हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक ही देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो टीम में शामिल होने के योग्य बनते हैं। नंबर तीन, गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। गरुड़ कमांडो को अपने ट्रेनिंग के अंतिम दौर में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय रूप से तैनात यूनिट्स के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है। गरुड़ कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। गरुड़ कमांडो के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स होता है, जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। मॉडर्न हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की टो लेने के लिए ट्रेंड होते हैं, जो चेहरा बदलकर दुश्मन को झांसे में लाता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। नंबर चार, मार्कोस कमांडो। भारतीय मार्कोस कमांडो को समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है। पानी में मौत को मात देने में इस कमांडो को महारत हासिल है। इनके कारनामों की वजह से इन्हें चलता फिरता प्रेत भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है, जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। मार्कोस कमांडो को मरीन कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे घातक स्पेशल फोर्सेज में से एक होती है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी का पार्ट होते हैं। ये पानी, आसमान और जमीन सभी जगह पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इन्हें दुनिया के लगभग सभी आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है।
खतरे वाली कंडीशन को संभालने में ये माहिर होते हैं। कारगिल की लड़ाई में इनकी खास भूमिका थी। ये निश्चित समय के अंदर अपने ऑपरेशन को पूरा कर लेते हैं। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है। भारत में मार्कोस कमांडो फोर्स की स्थापना 1987 में की गई थी। शुरुआत में इनको भारतीय समुद्री विशेष बल के नाम से जाना जाता था, फिर इन्हें समुद्री कमांडो बल के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। यह थे भारत के कुछ ताकतवर कमांडो फोर्स, जिनकी ताकत का लोहा चीन अमेरिका जैसे बड़े देश भी मानते हैं। इंडियन आर्मी के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना।